Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Expert Truth Always Exposes Darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके जिंदगी में क्या आते हुए दिखाई दे रहा है निश्चित रूप से और कौन आते हुए दिखाई दे रहा है। ऑफ कोर्स हम देखेंगे अपडेट्स, सबको देखेंगे तमाम घटनाएं क्या हो सकता है उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडियक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें प्लीज। सो लेट्स सी। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन की मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में क्या आते हुए दिखाई दे रहा है, कौन आते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड डेफिनेटली आगे क्या हो सकता है प्लीज बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू गाइड्स, प्लीज होली स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। समवन इज लाइक डांसिंग ओवर हियर, कुछ ऐसा क्रिएट मतलब मुझे शेप्स दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे जैसे लग रहा है कोई नृत्य कर रहे हैं। नृत्य तभी होता है जब कोई खुशी का मौका हो, तभी होगा ना, या आप कोई ऐसा चैलेंज को चुनौती को जीत जाएंगे तभी होगा, या कोई खुशी का मौका होगा तभी होगा। सो ऑफ कोर्स सामने वाले सिचुएशन हालात मुझे इस तरह से दिखाई दे रहे हैं कि दैट यू विल एंटर इनटू अ पीरियड ऑफ हैप्पीनेस। डांस इज ऑलवेज अ फॉर्म ऑफ आर्ट, और आर्ट जो है उसमें काफ़ी मेहनत करना पड़ता है तभी जाके कोई भी आर्ट कोई भी काम संपन्न होता है। सो आई डू फील लाइक दैट बेसिकली यहाँ पे मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे आपकी जो एक लगन है, आपकी जो एक कोशिश है, आपकी जो एक अपने ही करियर के लिए एक खुददारी है, मेहनत है, इट्स लाइक अ एट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड व्हाट आई कैन सी इट्स लाइक दैट, इट इज़ गोइंग टू गेट लॉट ऑफ रिवर्ड्स फॉर यू क्योंकि पेशेंस से आपने वेट किया है। ओके, योर डेस्टिनी इज चेंजिंग एंड वो डेस्टिनी जो चेंज हो रहा है कहीं ना कहीं पे आपकी योगदान है। कर्म फल तो लोगों को मिलता ही है लेकिन कुछ कर्म तो हम इस जन्म में करते हैं ना। प्रारब्ध कर्म वो होता है जो हम पिछले जन्म से लेके आते हैं, चाहे हमारा जो जन्म हुआ था किसी भी रूप में हुआ होगा लेकिन वो प्रारब्ध है। और इस जन्म में जो हम करते हैं वो है वर्तमान कर्म। सो ये वर्तमान कर्म जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट इट इज़ गोइंग टू फेच यू द बेस्ट रिजल्ट्स। लेकिन जो मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई दे रही थी दैट यू ऑफन कंपेयर योर परफॉर्मेंस विद अदर्स, आप अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं और वही आपकी दुख के कारण बनते हैं। आप अपने ज़िंदगी को भी लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं एंड दैट्स वाई यू फील गिल्टी समटाइम्स, आपको गिल्ट महसूस होता है, आपको कभी कभार आप इंट्रोवर्ट बन जाते हैं, कभी कभार आप लोगों के सामने आना नहीं चाहते, कभी कभार आप बातचीत बंद कर देते हैं, कभी कभार आपको बहुत दुख मिलता है, आंसू आते हैं लेकिन आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते। ओके, सो गेट रीड ऑफ दैट, उस सारे सिचुएशन से बाहर निकल जाओ। आई डू फाइंड लाइक दैट सम फ्रैगमेंटेशन इज देयर, ठीक है, कुछ ऐसा ब्रोकन समथिंग इज स्टिल ब्रोकन इनसाइड यू जो अभी भी उस दर्द में आप जी रहे हैं और इस दर्द को छोड़ ही नहीं पा रहे, अंदर से टूट रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे। लेकिन आपकी कॉन्फिडेंस ही तो आपकी जीत लेके आएगी ना यहाँ पे। वो देयर इज यू कैन से दैट अ फेस विच इज कमिंग, और ये बहुत ज़्यादा आई डू थिंक सो दिस अ फेस ऑफ अ मंकी और अ गोरिल्ला और समथिंग। सो एंशेंट नॉलेज के ऊपर अगर आप थोड़ा सा चर्चा करें, आप देखिए इस फेस को बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। आई डू फाइंड कि कुछ ऐसे आपके अंदर गुण हैं जो कहीं ना कहीं पे पास ऑन हुए हैं,
ट्रेडिशंस वाइज पास ऑन हुए हैं आपके लिए, सो उसके ऊपर ध्यान दो क्या गिफ्ट है आपके पास, ठीक है, एंड डेफिनेटली इट विल लीड टू बेस्ट रिजल्ट्स। ओके, यू कैन सी लॉट ऑफ आउल्स इन पिक्चर्स, आपको थंबनेल्स में, आपको वॉलपेपर में काफी आउल्स दिख सकते हैं। ओके, व्हाइट आउल अगर आपने देखा तो फाइनेंशियल लक आपका बढ़ेगा। और अगर आपने दूसरे कलर का भी देखा, सो योर इंट्यूशन, योर यू कैन से यू कैन फाइंड आउट डिफरेंट मिस्ट्रीज, बहुत रहस्य आपको समाधान करने का आपको मौका मिलेगा। मे बी आपको आपका इंट्यूशन गाइड करेगा कि कौन इंसान आपके लिए सही है, कौन नहीं है, कौन सा करियर पाथ आपके लिए सही रहेगा, कौन सा करियर पाथ आपके लिए गलत रहेगा। ये आपकी इंट्यूशन जो है वो आपको गाइड करता रहेगा। इफ़ यू सी आउल्स, इट मीन्स दैट यूनिवर्स इज सेंडिंग यू, जस्ट फोकस ऑन योर इंट्यूशन। आपकी दिल क्या कहता है, आप किसी इंसान से प्यार तो करते हो लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में, लेकिन आपको थोड़ा सा शक है कि इस इंसान के ऊपर क्या वो आपके लिए सही जवान साथी बनेंगे, क्या वो आपके लिए सही पार्टनर है। आस्क योर इंट्यूशन, आस्क योर सिक्स सेंस, क्या वो ना बोल रहे हैं, क्या वो हाँ बोल रहे हैं। रात के समय पे सोचना, दिन के समय पे नहीं, वो शोर शराबा में आपको कुछ इंट्यूशन नहीं होगा, नहीं आ पाता है, साउंड की जगह पे तो नहीं हो पाता है। ऑलराइट, आई कैन सी योर टेडी बियर ऑल्सो हियर। सो बेसिकली टॉयज जनरली हमें खुशी देता है, चाहे वो हम कितने भी बड़े हो चुके हैं, हमें सॉफ्ट टॉयज दिखता है या कोई भी खिलौना दिखता है अभी भी हमें बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि वो हमें उस खुशी का एहसास दिलाता है जो हम बचपन में बिताए होंगे। सो योर चाइल्डहुड मेमोरीज विल कीप यू अलाइव, जो आपका सबसे ज़्यादा अच्छा पल था आप उसको याद करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड मे बी द टेडी बियर ऑल्सो सिग्निफाइज दैट प्रोटेक्टिव रिलेशनशिप, ऐसा रिलेशनशिप बियर ऑलवेज सिम्बोलाइजेस प्रोटेक्शन, केयरिंग, अफेक्शन। ठीक है, अगर आप माँ हैं, अगर आप पिता है किसी का, सो आप अपने बच्चे के लिए फ्यूचर देखोगे, उनका फ्यूचर सिक्योर करने की कोशिश करोगे। आप भी अलर्ट रहोगे कि आपका एक्टिविटीज उनके ऊपर अच्छा असर तो कर रहा है ना, बुरा असर तो नहीं कर रहा है ना। उस तरह से विल बिकम मोर अलर्ट देन बिफोर। आपका कोई न्यू विजन, कोई न्यू एम, कोई न्यू टारगेट दिखाई दे रहा है। पहले आप कुछ प्रोफेशन में ऐसा सोचते थे कि नहीं वो अच्छा नहीं है, बट धीरे धीरे वही प्रोफेशन आपके लिए एक पैशनेट की जगह, मतलब विल बिकम सो पैशनेट ऑफ दैट पर्टिकुलर करियर। ऐसा ही होता है, जिस चीज़ में हमें उतना इंटरेस्ट पहले पहले से नहीं होता है, उस चीज़ में हमें दिखाई देता है ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट। काफ़ी इमोशनल भावुक हो सकते हैं आप आने वाले समय में, और भावुक होके ज़्यादा आप कोई फैसला मत ले। व्हेन यू आर सो इमोशनल, टेक द डिसीजन व्हेन यू आर ऑल राइट। कोई फ्रेंडशिप आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है, और वो फ्रेंडशिप इस तरह से है कि मे बी इट विल शो कलर्स इन द फ्यूचर, आगे जाके फ्यूचर में वो रंग दिखेगा। ओके, साथिया एरी गीली गीली हसी, हंसती रहे तू हंसती रहे हवा की लाली। आई फॉरगॉट द सॉन्ग, प्लीज जस्ट सी द सॉन्ग विच हैज कम इन दिस रीडिंग। सो दैट वाइब्रेशन, दैट फीलिंग्स, दैट डेप्थ
ओके यू विल जस्ट फील इट, यू विल फील द लव। बेसिकली आने वाले समय में जो रियल लव है उसको फील करोगे आप अंदर से। जो आप इतना दिन प्यार को महसूस कर रहे थे, दैट वॉज मे बी, आई डोंट नो, इट वॉज लाइक ऑफ अ मेटेरियलिस्टिक प्लेजर, बट यू विल रियली फील द लव विद इन योर सेल्फ ऑल्सो। खुद के अंदर भी वो एहसास आपके अंदर जगेगा। ऑलराइट, सो हम थोड़ा सा दूसरा डेक से देख लेते हैं ताकि हम और भी कंफर्म हो जाए। सो व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू एंड हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू, लेट मी सी। सेवन ऑफ कीज, द एसेंट, बहुत मेहनत के बाद, शिद्दत के बाद ऊंचाई तो उठना ही है, इसमें कोई दोराय नहीं है। दैट यू विल बी सक्सेसफुल इन द फ्यूचर इन वॉट एवर द प्रोफेशन भी, अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो। सेवन ऑफ फोर्सेस, दिस इज अ सेवन ऑफ वैंड्स, बेसिकली आप लोगों को तर्क से, डिबेट के माध्यम से, अपने नॉलेज से, जैसे एक एडिटर, जैसे एक जर्नलिस्ट न्यूज़ मीडिया में जैसे बोलते हैं, दूसरे का भी कमेंट्स आता है, दूसरे भी अपोज करते हैं, अपोजिशन लगा हुआ रहेगा, चाहे आप कहीं पे भी हो, अपोज तो लोग करेंगे ही, लेकिन उस अपोजिशन के से भी आप ऊपर उठ के उनको जवाब देंगे एंड बैलेंस भी करेंगे अपने आप को भी। ऑलराइट, टू ऑफ स्क्रोल्स, द टू वर्ल्ड्स, जैसा दुविधा है लेकिन वो दुविधा भी धीरे धीरे खत्म होगा क्योंकि आपको पता चलेगा विच फील्ड टू चूज एंड विच फील्ड नॉट टू चूज। ठीक है, ओके। वी डू हैव द म्यूज, द म्यूज, द वर्ड हैज कम फ्रॉम अम्यूजमेंट। सो जैसे मैंने आपको कहा, दिस इज अ कार्ड ऑफ द डेविल। बेसिकली मटेरियलिस्टिक चीज़ें अच्छे हैं एक हद तक, लेकिन ज़्यादा नहीं। सो बेसिकली आपको भी अपने टेम्पटेशंस को भी कंट्रोल करने की भी ज़रूरत पड़ेगा इन द फ्यूचर। थ्री ऑफ कप्स, दिस इज अ थ्री ऑफ रोजेस, लविंग एलिमेंटल, जैसे मैंने आपको कहा कि लव की वाइब्रेशन को महसूस करोगे, ठीक है, उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। यस, द सन, द रिफ्लेक्शन। सो बेसिकली क्या है ना, व्हेन द सन हैज कम एट द बॉटम ऑफ द डेक, तो सक्सेस, विश फुलफिलमेंट, चेंजेस इन योर डेस्टिनी इज डेफिनेटली इज ऑन द कार्ड। सो बेसिकली जैसा मैंने आपको कहा वैसे वैसे ही यहाँ पे हुआ है। प्यार को आप महसूस करोगे उस तेजी रफ्तार के साथ, उस पैशन के साथ, अपने काम का फल जो है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी, लव यू लॉट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय।